सीतापुर में बीती रात एक युवक ने अवैध असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद कमरे में अंदर लेटकर कनपट्टी पर गोली मार ली। पुलिस ने अवैध असलहे को कब्जे में लेकर शव को पीएम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के बाद पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला कोतवाली नगर इलाके का है। यहाँ के मोहल्ला ताड़कनाथ इलाके के निवासी 40 वर्षीय रानू सिंह शराब के नशे में धुत होकर बीती रात देर रात घर पहुंचे। बताया जाता है कि इस दौरान किसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि पति ने स्वयं को कमरे में बंद कर अवैध असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने देर रात मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया। युवक की पत्नी ने कहा कि घर में विवाद के बाद पति ने खौफनाक कदम उठाया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है।